कम से कम 40-50 साल। 40 इतना खूबसूरत जो है अंकल ने मुझे बना के दिया है, ये देखिए, ये ऊपर फालूदा है और ये रूअफ़ज़ा है जी। ये रूअफ़ज़ा है और नीचे जो है ये मटका कुल्फी है। और 50 रुपए की हो जाएगी तब भी खाएंगे इनकी। जैसे उनको जो है मटके के अंदर से मैं दिखाना चाहूंगा कि अंदर देखिए कितना। फूड को बढ़ाने के लिए हमारी मुहिम जारी है और इस मुहिम में आज हम आपके सामने एक नया जायका लेकर आए हैं, एक नया स्वाद लेकर आए हैं। और हम पहुंचे हैं रामपुर में 33 साल पुरानी मटका कुल्फी पर। और ये मटका कुल्फी जो है रामपाल जी की मटका कुल्फी है, जो रामपुर में 33 साल पहले शुरू हुई थी, तब से अब तक इनका जायका बरकरार है और लोग इनका जायका लेने के लिए दूर दूर से आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये मटका कुल्फी रामपुर में कहां पर है। रामपुर का सर्राफा बाज़ार है। इस सर्राफा बाज़ार में ये जो है सामने ठेला लगाते हैं अंकल, इनका नाम रामपाल अंकल है और ये करीब 33 साल पहले इन्होंने रामपुर में मटका कुल्फी शुरू की थी। ख़ास बात यह है कि आज भी ये एक बड़े से मटके में जो है कुल्फी बेचते हैं और इतना बड़ा तांबे का मटका इन्होंने लगा रखा है यहाँ पर, ये कुल्फी बेचते हैं, मटका कुल्फी और फालूदा, और इनके बेटे भी इनके साथ में हैं। तो हम अंकल से बात करेंगे, अंकल के बारे में बताएंगे। तो ये हैं रामपाल जी, जिन्होंने लगभग 33 साल पहले रामपुर की दुनिया में मटका कुल्फी का स्वाद देखकर रामपुर के लोगों को चौंका दिया था। और शायद यही बात है कि आज भी लोग इनके हाथ का जायका याद रखते हैं और दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कैसी भीड़ जो है लगी हुई है, दूर दूर से लोग तमाम जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि इतने बड़े तांबे के मटके से कुल्फी बाहर आए और उसमें फालूदा मिले और फिर लोगों को दें। ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये मटका कुल्फी आपने कब से स्टार्ट की, कुछ बताइए इसके बारे में। इसको हो गया साहब 35 साल। अच्छा, तो ये कैसे बनाते हैं आप? ये साहब इसको दूध खोला के गाढ़ा करके खूब, और जैसे रबड़ी चाहती होती है इस तरकीब से बनती है। अच्छा, हाँ। तो ये आपने कैसे सीखा था इतने साल पहले, कौन उस्ताद था आपका? हमारे ससुर थे। आपके ससुर साहब थे? हाँ, वो काम करते थे। अच्छा, कहाँ पर? वो भी यहीं पर लगाते थे। वो भी यहीं लगाते थे। अच्छा, क्या नाम था उनका? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल जी, हाँ। वो ससुर साहब थे आपके, उन्होंने ये हुनर दिया आपको? हाँ, सारा बारदाना उन्हीं का था। अच्छा, तो वो कितने साल पहले करते थे काम? उनको तो कम से कम 40-50 साल। 40-50 साल पहले करते थे? पापा जानते थे। अच्छा, तो ये उनसे हुनर आपने लिया, ये जायका आप दे रहे हैं। तो आपकी आपके बच्चे भी आपके साथ लगे हुए हैं? हाँ, बच्चा एक भी लगा हुआ है, तो एक दाल बेचता है चौराहे पे। अच्छा, एक सुबह को बेचता है यहाँ पे, जहाँ वो ठेला खड़ा हुआ है। अच्छा, ये बताइए जब आपने स्टार्ट किया था तब ये कुल्फी कितने की थी और आज कितने की है? ये 3 रुपए की है। 3 रुपए की थी? हाँ, 3 रुपए की, और डिब्बा बेचते थे 5 रुपए का बड़ा वाला। अच्छा, हाँ। अच्छा, और अब है 35 रुपए की। क्या बात है भाई साहब, 3 रुपए की मटका कुल्फी इन्होंने स्टार्ट की थी और आज जो है 35 रुपए पहुँच चुका है रेट। लेकिन स्वाद में कोई कमी शायद नहीं आई? आई नहीं आई? तो अंकल का ये दावा है कि स्वाद में कोई कमी नहीं आई है। एक जो है काफ़ी ज़्यादा कदरदान लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, उनसे हम पूछेंगे, आपने जब खाना शुरू किया था तब कितने की थी, अब कितने की है? जब ये थी साहब 12 रुपए की, 15 रुपए की कुल्फी। अच्छा, और आज 35 रुपए की कुल्फी है। 35 रुपए की, तो आप खाते भी हैं, पैक करा के भी लेके जाते हैं? हाँ साहब, पैक करा के लेके जाते हैं, 10-10, 15-15, 20-20 कुल्फी जाती हैं, और 50 रुपए की हो जाएगी तब भी खाएंगे इनकी कुल्फी। क्या बात है, क्या अंशुल भाई हैं हमारे दोस्त हैं और इन्होंने ये कहा है कि 50 रुपए की भी अंकल बेचेंगे तो खाएंगे। तो ये अंकल आपने हमारे लिए बना के दिए, बोल दें हमारे जो दर्शक हैं व्यूवर्स हैं उनको जो है मटके के अंदर से मैं दिखाना चाहूँगा कि अंदर देखिए कितना बर्फ लगा हुआ है। अंकल इसमें क्या बर्फ? बर्फ लगा हुआ होता है। अच्छा, तो नमक भी डालते हैं क्या जमाने के? डालते हैं, बर्फ बहुत पड़ेगा अभी इसमें। अच्छा अच्छा, तो ये घर से आप पैक करके लेके आते हैं, कितना टाइम लगता है इसे बनाने में? इसको 4 बजे तक बनती है, मतलब 11 बजे सुबह 10 बजे सुबह 10 से 4 बजे तक बनाते हैं और 4 बजे यहाँ ले आते हैं आप? यहाँ पे आते हैं 7 बजे। 7 बजे? अच्छा, और 7 बजे कब तक? 12 बजे। 7 बजे रात के 12 बजे तक यहाँ पे रहते हैं आप? अच्छा, ये बताइए कि आप किसी दिन की छुट्टी करते हैं? नहीं, किसी दिन छुट्टी नहीं करते भाई। 7 दिन जो है अंकल यहाँ पर मिलते हैं, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मिलते हैं, मटका कुल्फी फालूदा। और ये देखिए कितना खूबसूरत जो है अंकल ने मुझे बना के दिया है, ये देखिए, ये ऊपर फालूदा है और ये रूअफ़ज़ा है जी। ये रूअफ़ज़ा है और नीचे जो है ये मटका कुल्फी है। क्या बात है साहब, ज़बरदस्त जायका है इसको। और अब मैं आपको इसका स्वाद भी बता दूँ कि कैसा है भाई साहब, ज़बरदस्त है। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आजकल और उस गर्मी में ठंडक देने वाला। चल,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुकून, सुकून देने वाले ये मटका कुल्फी है। इस गर्मी में राहत देने वाली ये मटका कुल्फी है। अगर आप रामपुर गए हैं, रामपुर के बाहर से हैं, अगर आप घूमने आए हैं रामपुर, तो एक बार इनका स्वाद आप जरूर लीजिए। रामपुर के सराफा बाजार में जो है अंकल ये यहाँ पर ये ठेला लगाते हैं, करीब 33 साल पुराना ये ठेला। इसकी कीमत क्या अंकल? इसकी 35 रुपये। तो अब मैं आपको इसकी जो है पैसे दे देता हूँ, क्योंकि पैसे देने के बाद स्वाद मुझे और अच्छा लगेगा। तो आप इसमें से आप पैसे ले लीजिए प्लीज़, ठीक है। तो भाई ये 35 रुपये की है, 5 रुपये मुझे अंकल ने वापस दे दिए हैं। तो ज़बरदस्त जायका है, ज़बरदस्त स्वाद है, और रामपुर की, रामपुर की यही खासियत है, जायके का बादशाह है, जायके का बादशाह है ये शहर। इस वीडियो को आप ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि रामपुर का जायका देश और दुनिया तक पहुँचे। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद।